हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केंद्रीय राज्य मंत्री को तबादला रोकने की गुहार लगाते समय रो पड़ी छात्राएं। जोधपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महिला भाग में कार्यरत शारीरिक शिक्षक व सेपक तकरा कोच राजेंद्र सिंह के तबादले के विरोध में खिलाड़ी छात्राएं व छात्राओं और स्कूल स्टाफ ने रविवार को केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान यहां आई कई छात्राएं कोच का तबादला रोकने की गुहार लगाते हुए रो पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस तबादले के विरोध में शनिवार को भी खिलाड़ियों ने महिला बाग स्कूल और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। शुक्रवार को जारी आदेश में कोच राजेंद्र सिंह का तबादला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढोलीगुनी में कर दिया गया था। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि महिला बाग स्कूल में राजस्थान का एकमात्र निःशुल्क सेपन तकरा प्रशिक्षण सेंटर चलता है। वरिष्ठ PTI राजेंद्र सिंह के तबादले के बाद प्रदेश भर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए कोई कोच नहीं रहेगा। साल 2015 में राजेंद्र सिंह के आने के बाद सीनियर व जूनियर के सभी खिलाड़ियों ने कई अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय मेडल जीते हैं। उनका तबादला गांव में करने से खिलाड़ियों को वहां आने जाने में परेशानी होगी, विशेषकर छात्राएं वहां प्रशिक्षण लेने के लिए नहीं जा पाएंगी। खिलाड़ी छात्राओं ने रोते हुए अपनी पीड़ा केंद्रीय राज्य मंत्री को बताई और यह तबादला रोकने की मांग की। बच्चे नेशनल लेवल के मेडल इंटरनेशनल लेवल पर खेल के आए, इनके कोच का ट्रांसफर कर दिया और फिर इनके सेंटर पे कल कोई आपका DEO लीगल गया, वो ताला लगा के आ गया। लॉक प्रिंसिपल ने लगाया, जो है प्रिंसिपल ने लॉक लगवाया महिला बाग स्कूल में। इसको कहना स्कूल किसी को बपौती ही थोड़ी है यार, बच्चे खेल रहे हैं और अगर जोधपुर के लिए कोई नाम रोशन कर रहे हैं, राजस्थान का कर रहे हैं, उनको प्रमोट करने की बजाय ऐसे उल्टे उल्टे काम क्यों करते हैं। उसको महिला बाग प्रिंसिपल को कहना कल से वो खेल की फैसिलिटी चालू रहनी चाहिए दोनों टाइम। जोधपुर से जागरूक TV की रिपोर्ट।